हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, एलएलबी का प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड पेपर डिस्कस किया था, इस बार हम थर्ड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लॉ इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्ट है। देखिए, ये बुकलेट सी है, बुकलेट सी का आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या है, देख लेते हैं। तो देखिए, ये 50 क्वेश्चन करने थे, इसमें अटेम्प्ट ऑफ 50 था, ठीक है। तो इसमें जो है हम कोई 50 क्वेश्चन करने थे तो हमने किए हैं, देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच नॉट इंक्लूडेड द क्लासिफाइड द टेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, मूवेबल वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बाजार हाट सीलिंग का विक्रय एंड भूमि। तो अब जब इमूवेबल की आती है तो सुखा अधिकार जो है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। इसमें देखिए, सेकंड वाले का जो है वो आपका है, निम्नलिखित में से कब पट्टे का पर्यवसान हो सकता है, तो इसका है उपयुक्त सभी, ओके। आप मिला लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। जो भी डाउट है आपका, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, तो आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। मोस्टली आपका 99% आपका आपको आंसर की जो है एक्यूरेट मिलेगा। इन विच द सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट द अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ, देखिए इस 2023 में जो जो अमेंडमेंट आया था उसमें जो है 106 था, धारा कौन सा था 106, ओके। संबंधी अंतरण का अधिनियम धारा 63 का जो कहता है वो बंधक का होता है, जिन्हें जो है सी लगाया हुआ है। सुरेश चंद्र बरान, देखिए इसमें डाउट है, आप इसका बी करिएगा, बी ही इसका राइट आंसर लगा था मुझे भी, और एक इसमें बी और ए में डाउट है, बी और ए दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आप दोनों में से देख लीजिएगा, कोई एक हो सकता है आपका, ओके जी। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में द्रव दान को डिफाइंड किया है, यानी कि आपका गिफ्ट जो है, गिफ्ट को डिफाइंड किया गया है, वो है धारा 127 संपत्ति अंतरण। देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वन रॉस, तो देखिए वन रॉस के लिए आपको कह देते हैं कि ये टोटल ऑल ओवर होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो रेड से लगे हुए हैं भाई, वो मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, देन उसके बाद जो है वीडियो में शूट कर रहा हूँ। देखिए, संपत्ति अंतरण का अधिनियम किस धारा में सर्वस्व अदाता को प्रभाषित करता है, इसका आंसर होगा ए, जो कि धारा 68 है। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 63-69 का से संबंधित है, विक्रय करने की शक्ति ये है, ठीक है। चलिए, एल एम रेडी बनाम ये उपयुक्त सभी है, ये सब चीजों से जो है रिलेटिव था। संपत्ति ए अंतरण अधिनियम में अभिप्राय है, एक अवश्य लिखित है, ये है नॉन टेस्टनामी है। संपत्ति अंतरण की परिभाषा, संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में आता है, 5 है इसका आंसर, ओके। जो रेड से लगे हुए वो मैंने लगाए भाई, और जो ब्लू से लगे हैं वो स्टूडेंट के हैं, तो स्टूडेंट का जो है डाटा मिस्टेक भी आ रहा है, अब देख ही रहे होंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में विक्रय की परिभाषा करता है, 54 इसका राइट आंसर है। संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में विनियम को प्रभाषित करता है, धारा 118, ओके। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में पट्टे को प्रभाषित किया गया है, पट्टे को जो प्रभाषित किया गया है वो 105 है भाई। संपत्ति अंतरण के अधिनियम किस धारा में दान को प्रभाषित किया गया है, देखिए ये दान जो है मिला था वो एक धारा 122 है, ओके। लंबित वाद सिद्धांत किस अंतरण के अधिनियम में आता है, सेक्शन 52 में आता है, सेक्शन 52 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में निर्वाचित सिद्धांत दिया गया है, सेक्शन 35 इज द राइट आंसर। संपत्ति अंतरण 1882 की किस धारा के मौखिक अंतरण दिया गया है, इसका आंसर है धारा 9, यानी कि सेक्शन 9। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कुल कितनी धाराएं हैं, 137, बहुत इजी क्वेश्चन, ओके। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 वर्णन करती है, किसका वर्णन करती है, ये है बी, हक लेने के लिए, हक विलेखों और निपेक्ष बंधक से जुड़ा हुआ प्रावधान है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आंतरिक की जा सकती है, देखिए इसका आंसर है सी, दोनों ही की जा सकती हैं। आरोप लगाया जा सकता है दोनों पक्षकार के, और विधि द्वारा दोनों के थ्रू लगाया जा सकता है। किराएदार का अनुबंध विविक्त किया जा सकता है,
किराएदार का देखिए ये डाउटेबल क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको भाई, ये 24 और 25 डाउटेबल क्वेश्चन है तो इनके आंसर नहीं है। अब देख लीजिए, आप कोशिश ये कर सकते हैं कि खुद भी सर्च करिएगा, एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं तो उनके आंसर खुद सर्च करिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, रॉन्ग करने से बेहतर है कि आप उसे सर्च कर लें। देखिए संभाव्य उत्तराधिकार अंतरण है वैध वैलिड होता है सर, ट्रांसफर ऑफ स्पेस सक्सेशन ऑफ तो वैलिड वैलिड होता है, संपत्ति अंतरण का 1882 के अंतर्गत निहित होता है ए एंड बी। ये देखिए डाउटेबल क्वेश्चन है बट आप ए एंड बी के साथ जाइएगा और इसे चेक कर लीजिएगा। नुकसानी के लिए वाद लाने का लिए जो है ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। यहाँ संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित में से अनियोज्य दावा है ए एंड बी। अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में सम्मिलित है, सेक्शन 13 में होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति है। देखिए उपयुक्त सभी है, ओके। भूमि से जुड़ी में तात्पर्य है, भूमि से जो जुड़ा हुआ होता है वो वह भूमि मूलित होता है, निविष्टि होती है, ए एंड बी दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है। डाउटेबल क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ेंगे, डाउटेबल क्वेश्चन है। भूमि से होने वाले फायदे, देखिए भूमि से होने वाले फायदे ये हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कैसी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आंतरिक अंतरण का अधिनियम 1882 की धारा में अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति को परिभाषित किया गया है सेक्शन 7 में आपको इसे परिभाषित किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में प्रवर्तित हुई है, वो हुई है, देखिए 1882 जो है 1 जुलाई को हुई थी, 1 जुलाई को। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आवश्यक तत्व हैं, देखिए डाउटेबल है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते हैं, किसका नाम, सेल का नियम लागू नहीं होता है। टैगोर बनाम टैगोर डाउटेबल क्वेश्चन है। बेलामी बनाम साइबनवाद किस सिद्धांत से संबंधित है, यह है सी इज द राइट आंसर। आर कैंप्रास बनाम बर्टनसिंस जो है आपका नामक वाद किससे संबंधित है, वो ए से संबंधित है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम से। निहित किस सिद्धांत से आवश्यकता है, हित एन मात्रा बी संचयन के लिए निदेश। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 किस धारा से संबंधित है, यह है आपका सेक्शन 17। ओके, संपत्ति अंतरण 1882 के अंतर्गत कौन सी अनियोज्य दावा नहीं है, यह है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। देखें क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है, नो। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 में वर्णित है ए प्रभाव्य शक्ति की पूर्ति, धारा 17 के तत्व हैं ए एंड बी। लोकसभा के लिए शाश्वत अंतरण किस धारा में वर्णित है, सेक्शन डी यानी कि डी सेक्शन यानी कि 18 सेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन के आवश्यक तत्व हैं, उपयुक्त सभी इज द एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस या डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शंस। ओके, संपत्ति अंतरण 1882 की किस धारा में दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण निम्नलिखित है, सेक्शन 41। रामकुमार, ये है, देखिए रामकुमार कुंदू बनाम मैकविन वाद संबंधित है, डाउटेबल क्वेश्चन है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम क्या गया है, यह है 1882। ओके, अधिनियम भारतीय सुखाधिकार मद्रास एवं मध्य प्रदेश में हुआ था, डी 1782 में। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, 64 धाराएं। भारतीय सुखाधिकार की परिभाषा किस धारा में है, सेक्शन 4। सुखाधिकार का आवश्यक तत्व कौन से हैं, ए अधिभावी एवं अधिशेमी संपत्ति। 57 यानी 57 में देखें अनुज्ञाप्ति की परिभाषा भारतीय सुखाधिकार की धारा 52 है। आप देखेंगे 52 है इसका आंसर। ओके, यहाँ देखें डी 58 में देखेंगे, 58 में है एक्सचेंज विनियम का होता है इसका, 58 का
59 का आप देखेंगे माइनर, ठीक है, 60 का आप देखेंगे डी, अचल संपत्ति इमूवेबल होता है, 61 का आप देखेंगे तो ये बी, 62 का आप देखेंगे तो ये आपका सी, 63 का आप देखेंगे सेक्शन 53 यानी डी, 64 का आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर डी, 65 का आप देखेंगे तो यहाँ पर ए, 66 का आप देखेंगे तो 63, सी है सी, 53 सॉरी 63 बोल रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे निर्वाचन का सिद्धांत, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये जो है सी है इसका आंसर, संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक प्रभावशील नहीं है अचल संपत्ति, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पार्श्विक क्रेता का जो है, देखिए ये जो है क्रमबद्ध प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में है, 56 सेक्शन 56, ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में, बंद शक्ति पट्टिका जो है सेक्शन 64, बंधक संपत्ति अनुवृद्धि संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में संबंधित है, बी सेक्शन 63, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पट्टा आवश्यक तत्व क्या है उपयुक्त सभी, डी, संपत्ति अंतरण अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा हक विलेखों से जमा द्वारा बंधक का प्रावधान करती है, यह है सेक्शन 94 बी, सेक्शन 94, संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रवासित प्रत्याशन हो सकता है लीगल, बी इज द राइट आंसर। 76 प्रत्यान अंतरण के अधिनियम किस धारा में प्रत्याशन होता है, 92 यानी कि इसका सेक्शन 92 बी इज द राइट आंसर, इसका है बी, बी देखिए बी है इसका आंसर, और ए भी हो सकता है तो इसे सी की ओर जाइएगा, सी सही है इसमें, देखें ए एंड बी दोनों हो सकते हैं तो इसके लिए सी आपका राइट आंसर रहेगा, ओके। महेश लाल बनाम महंत बावन दास वाद किस सिद्धांत से संबंधित है, यह है भौगोलिक पालन, सी, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में भौगोलिक पालन को परिभाषित किया गया है, 53 का निम्नलिखित में से किसे प्रत्यानयन का अधिकार नहीं है, यह है फाइनेंसर, ओके। निम्नलिखित में से जब एक स्थावर संपत्ति को पट्टे का पर्यवसान हो जाता है तब उसे कहते हैं, इसका आंसर होगा सी, ओके। संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा, संपत्ति अंतरण की किस धारा में विलक्षण बंधकों को पक्षकारों को एवं दायित्व संबंधित किया गया है, सेक्शन जो है इसका है 97 होगा या 98 की ओर जाएंगे, एक बार वन सेकेंड, ये जो है हमारा 98 ही होगा इसका आंसर, 98 ही है, क्लियर है, एग्जैक्टली। व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफर होगा, क्या होगा, सी इज द आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के आवश्यक तत्व तो हैं, जो है डी, ऑल ऑफ दीज। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में प्रथागत सुखाधिकार को परिभाषित किया गया है, सेक्शन 18, ओके। भारतीय सुखाधिकार की अधिनियम के अंतर्गत ए एंड बी इज द आंसर, सी। सुखाधिकार का अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सतत सुखाधिकार है, तो इसका है राइट टू वे, क्या है, राइट टू वे। भारतीय सुखाधिकार के अधिनियम धारा 6 के अनुसार जो है परमानेंट होगा, परमानेंट एजिजमेंट, ओके। भारतीय सुखाधिकार की धारा 13 बी इज द राइट आंसर, 90 का। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुखा प्रथागत सुखाधिकार है, इसका है देखिए ए एंड बी, सी इज द राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में चिर व्यवहार द्वारा आवृत्ति से संबंधित है, सेक्शन 15, इसे सेक्शन 15 से। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुखाधिकार का उपभोग कर सकता है, ऑल ऑफ दीज। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में अनुज्ञप्ति परिभाषित है, सेक्शन 52, सेक्शन 52, ओके। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा सुखाधिकार के कतिपत अधिकारों से प्रतिबंधित है, सेक्शन 7, क्या, सेक्शन 7।
भारतीय सुखा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किन दशाओं में सुखा अधिकार का अंत हो सकता है? ये है बी निम्नलिखित द्वारा संपत्ति। भारतीय सुखा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति जो सुखा अधिकार के परीक्षण से व्यय के लिए दायी हो, उपयोग छवि। इसमें एक डाउट है, आप इसे सर्च करिएगा, अगर आपको लगता है कि ये है तो मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा। ए एंड डी में से मुझे ए भी हो सकता है, अगर ए होता है राइट आंसर तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। बट यहाँ पर देखेंगे जो सर्वेंट होता है, अगर ओनर नहीं हो तो सर्वेंट के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी को जो है हम जो है अंडर इंडियन असेसमेंट पर्सन ऑफ द स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेक करिएगा, कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुज्ञप्ति विखंडन हो सकता है, ए एंड बी इम्प्लाइज दोनों के जरिए से हो सकता है, ओके। 45 अंश का नियम है लॉ विधि, बी इज द राइट आंसर। सुरेश चंद्र बोहरा बनाम भारत संघ AIR 1987 नामक वाद संबंधित है, ये आप सेल से था, सेल्स एंड लीज से ऐसे डाउट है, आप इसे चेक करिएगा। हाउ मेनी चैप्टर अंडर इंडियन इजमेंट एक्ट, तो 6 चैप्टर है इसके अंदर, कितने हैं 6 चैप्टर। तो ये थी आपकी आंसर की, जो के आपके जो है अंडर प्रॉपर्टी एक्ट वाला जो पूरा का पूरा पेपर है उसका है, प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड इजीमेंट। तो आप इसे इजीली चेक कर सकते हैं, और जो डाउटेबल क्वेश्चन है उन पर आप एक बार घर पर फोकस करिएगा और उन्हें सर्च करिएगा, और हमें भी बताइएगा कमेंट करके कि आपका आंसर क्या है। और बट उसका एक लीगल प्रूफ आप देंगे कि ये आंसर जो है इस तरीके से करेक्ट है। अगर आपको दी गई हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो, और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को डबल कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर आप अपनी आंसर की पा सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।